वेलकम टू स्टे होम क्लासेस। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 2D को हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 2C को हम पिछली वीडियो में मैं आपको दे चुका हूं। तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और उसको देखिएगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सरसाइज 2D समझ में आएगी। तो 2D एक्सरसाइज में क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के बहुपद को बहुपद जी से, यानी कि एक बहुपद हमारा पी है और दूसरा बहुपद क्या है जी से, भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन दे रखा है, देखो पी एक्स बराबर आपको ये दे रखा है और जी एक्स बराबर ये दिया गया है हमें, ठीक है। तो क्या करना है, हमें भाग करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, पी एक्स और ये जी एक्स दिया गया, ठीक है। तो जी एक्स का हमें भाग देना किस में देना, पी एक्स में, ठीक। जी एक्स क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर देखो ए 1 + x दे रखा है, तो 1 + x है, इसको क्रम से लिखेंगे तो जी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और पी एक्स हमें क्या दिया गया है, पी एक्स दिया गया है x + 3x² - 1। पर यहाँ देखिएगा ये एक गुणनखंड का रूप नहीं है, तो इसे गुणनखंड का रूप बनाएंगे तो 3x² आगे लिख लेंगे और प्लस का बीच में x - 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। तो क्या हमारा जी एक्स यही तो है, जी एक्स क्या, x + 1 भाग करेंगे हम किससे करेंगे, 3x² + x - 1 से। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना। तो भाग क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, क्या किससे भाग देंगे हम, यहाँ पर देखो एक्स से हम 3x² को काटना हमें, तो 3x² रखा हमें किससे काटना, एक्स से काटना, तो एक्स से यहाँ पर एक घात घटा देंगे। देखो भाग में क्या होती है, घातें घटती हैं, एक घात है इसके घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, बचेगा नहीं, मैंने 3x रखा, 3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स में, गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 3x/2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। अब 3x का गुणा 1 में करवाएंगे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब घटाएंगे तो माइनस और ये माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3x - का और 1x ये प्लस किया, 3x से 1x घट जाएगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 3x बड़ा है किसका है, माइनस का है। अब माइनस के यहाँ पर 1 को नोट किया नीचे, ठीक है। अब यहाँ देखा कि किसका चिन्ह आ रहा, माइनस का आ रहा, तो यहाँ देखो कितना लिखा हुआ है, 2x लिखा है, इसको काटना हमें किससे काटना, x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, माइनस का 2, तो माइनस का 2 रखा हमने। अब माइनस के 2 का गुणा इसमें करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x आ जाएगा। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस में करूँगा तो -2 + 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो ये माइनस का था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि 2x प्लस का है, ये माइनस का है, 2 देखो ये प्लस का, ये माइनस का, 2 प्लस में से 1 माइनस का घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1। हमें क्या निकालना था, यहाँ पर देखो भागफल और शेषफल, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया, ये शेषफल आ गया, और ये क्या आ गया, हमारा भागफल आ गया, ठीक है, भागफल, ठीक है। अब यहाँ लिखना चाहो तो भागफल आपका, अब लिखना चाहो तो भागफल क्या हो जाएगा आपका, भागफल हो जाएगा क्या, 3x - 2, और शेषफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल हो जाएगा आपका, शेषफल हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट भी दे रखा है आपको, बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से करना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ आप, क्वेश्चन नंबर 2, पी एक्स बराबर क्या दे रखा, x^3 + 3x² - 12x + 4 और तथा जी एक्स दे रखा है, तो x - 2 का हमें इसमें भाग दे देना, आप कर लोगे, ठीक है, ये आप स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम थर्ड वाला करवा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, हमें देखो क्या, t^3, ठीक, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, इस थर्ड पार्ट है, ठीक। थर्ड पार्ट क्या है, पी और टी बराबर आपको दिया गया, क्या दिया गया, t^3 - 3t² - t और प्लस का 3 तथा
और जी टी बराबर आपको दिया गया, क्या दिया गया, टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री। अब देखो पहले ये क्रम से लिखा हुआ है तो हमें क्रम से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तीन घात फिर दो घात फिर एक घात की क्रम से है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, हमें इसका भाग जी टी का पी टी में दे देना। तो जी टी क्या, देखो टी स्क्वायर माइनस फोर ए टी फोर टी और प्लस थ्री तो है जी टी। अब हमें किसका भाग देना है, हमें इसका किसका देना, टी स्क्वायर टी पे, सॉरी टी पे घात कितनी है थ्री, तो टी पे घात थ्री माइनस थ्री टी स्क्वायर और माइनस का टी और प्लस का तीन, इसका भाग देना, ठीक है। चलो भाग देते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम टी स्क्वायर से किसको काटेंगे, टी क्यू को काटेंगे, टी क्यू काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखो इधर रफ्तार इधर बीच में करने दे रहा हूँ मैं, यहाँ क्या टी पे पावर थ्री है, तो टी पे पावर थ्री को काटना मुझसे किससे काटना, टी स्क्वायर से काटना, तो टी स्क्वायर दो घात ऊपर चले जाएंगे माइनस क्यू हो जाएंगे, भाग में घातें घटती हैं, तो क्या बचेगा, केवल टी बचेगा, तो मैं टी रख देता हूँ, ठीक है। टी का मल्टीप्लाई यहाँ करवाऊँगा, टी पे घात तीन हो जाएगा, तीन का यहाँ पर करवाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का फोर टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। टी का इसमें करवाऊँगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर थ्री टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थ्री टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है घटाएंगे, अब यहाँ घटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो फोर टी स्क्वायर है, यहाँ थ्री टी स्क्वायर है, फोर यानी कि फोर टी स्क्वायर से थ्री टी स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना, एक टी स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर टी स्क्वायर लिख लिया मैंने, ठीक है, एक नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, थ्री टी, यहाँ माइनस का टी एबल है, तो एक टी ये है, तीन टी है, एक और तीन कितना हो गया, चार टी, किसका, माइनस का, ठीक है, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, माइनस का चार टी और विभिन्न प्लस का कितना है, थ्री है, थ्री को नोट कर लिया। अब मुझे क्या काटना है, टी स्क्वायर को काटना है, तो टी स्क्वायर को काटना है, किससे काटना है, टी स्क्वायर से ही काटना, तो टी स्क्वायर को काटना है, हमें टी स्क्वायर से काटना है, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, वन टी स्क्वायर, एक एंड टी स्क्वायर, ठीक है। तो वन हम प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ पर वन लिखेंगे, वन का यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, और वन का इसमें गुणा करवाऊँगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, फोर टी, और वन का इसमें करवाऊँगा तो प्लस का थ्री, ठीक है। अब क्या करूँगा, घटाऊँगा तो ये माइनस का, ये माइनस माने प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऊपर माइनस का फोर टी है, ये नीचे प्लस का फोर टी, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखो ऊपर प्लस का तीन है और ये माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, जीरो, ठीक है। हमें क्या निकालना था, भागफल और शेषफल, तो भागफल आपका क्या आ गया, भागफल आ गया आपका, भागफल आया क्या, टी प्लस वन आया, ठीक है, और शेषफल आपका कितना आया, शेषफल, शेषफल आपका आया शून्य, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको नंबर फोर देखो क्या दिया गया, पी एक्स बराबर एक्स पे पावर फोर प्लस वन और जी एक्स बराबर ये दिया गया, ठीक है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए थे वैसे इसको भी सेम करना, तो क्या करना है, हमें पी एक्स का भाग जी एक्स में ही तो देना है, तो हम देते हैं, चलो ठीक है। जी एक्स कितना दे रखा है हमारा, एक्स प्लस वन दे रखा है, और पी एक्स कितना दे रखा है हमारा, एक्स पे पावर फोर प्लस वन दे रखा है, ठीक है। तो हमें एक्स पे पावर फोर काटना है, तो ये घात एक है ना, कैसे काटेंगे, यहाँ पर देखो रफ्तार करना, एक्स पावर फोर काटना हमें, किससे, एक्स से काटना, यानी कि वन पावर होती है ऊपर जाएगी माइनस वन हो जाएगी, तो चार से तीन, दो चार से एक घटाएंगे तो तीन बचेगा, यानी कि एक्स पावर कितना बचेगा, तीन, तो यहाँ क्या रखेंगे, एक्स पे पावर तीन, एक्स पे पावर तीन का हम गुणा इसमें एक्स में करवाएंगे तो क्या आएगा, एक्स पे पावर फोर, ठीक, एक्स पे पावर थ्री का गुणा वन में करवाएंगे, एक्स पावर कितना आ जाएगा, थ्री, क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो एक्स पे पावर थ्री है, यहाँ कहीं है नहीं है ना, तो ऐसे ही ऐसे ही नोट कर लेंगे, एक्स पावर थ्री किसका है, ये माइनस का, माइनस को उतारा, प्लस का वन आ रहा है पीछे, तो प्लस का वन उतार लिया, ठीक है। अब हमें क्या काटना है, एक्स पे पावर थ्री किसका, माइनस का, ये काटना है, तो माइनस के एक्स पे पावर थ्री काटना, हमें किससे काटना है, इस एक्स से काटना, तो एक्स ये वन घात है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस वन, यानी कि क्या बचेगा, एक्स पे पावर टू बचेगा, क्या बचेगा, एक्स पे पावर टू किसका, माइनस का, तो मैंने लिखा माइनस का एक्स पे पावर टू बचा, ठीक है। एक्स पावर टू का यहाँ गुणा करवाएंगे तो एक्स पावर कितना आ जाएगा, थ्री, किसका, माइनस का, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का गुणा वन में करूँगा तो प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे के नीचे, देखो माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस। अब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो एक्स स्क्वायर किसका आया, प्लस का आया, घात वाला,
और पीछे क्या पारा क्या चल रहा है, वन चल रहा है, इसको नोट नीचे कर लिया। अब हमें किसका काटना, एक्स स्क्वायर को काटना, तो एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, तो प्लस रखा। एक्स स्क्वायर किससे, एक्स से ही तो काटना, देखो एक्स स्क्वायर काटना हमें किससे, एक्स से काटना, एक घात काट देंगे तो एक जा रहे, यानी कि क्या बचेगी, एक घात बचेगी, यानी कि क्या बचा, एक्स बचा। एक्स का गुणा जब एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाया, एक्स का वन में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स घटाऊँगा तो माइनस, और ये माइनस, ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गई, माइनस की एक्स आ गई, माइनस एक्स यहाँ रखा, प्लस का वन यहाँ रख लिया, ठीक है। अब मुझे माइनस का एक्स काटना है, अगर मैं माइनस का वन का गुणा करवा दूँ तो आ जाएगा, ठीक है, माइनस के वन का गुणा किस में करवाऊँगा, एक्स में, तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा, वन का गुणा अब वन में करवाऊँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का वन। अब क्या करना है, हमें घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक को कैसा हो जाएगा, दो, ठीक है। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, देखिए शेषफल, और ये हमारा कितना भागफल, तो भागफल क्या आया, भागफल आया हमारा, भागफल आ गया हमारा कितना आ गया, एक्स बराबर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस वन, और शेषफल आपका आया कितना, आया शेषफल दो आया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसे नोट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या है, एक्स बराबर थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन तथा जी एक्स बराबर ये दे रखा, तो आपको जी एक्स दे रखा, जी एक्स का पी एक्स में भाग दे देना, हो जाएगा ये तो सॉल्व, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा, वो सिक्स देखिएगा क्या है, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस का टू रूट एक्स रूट एट एक्स माइनस सिक्स है, ठीक है। तो जी एक्स बराबर ये दे रखा, क्या दे रखा, एक्स माइनस रूट टू, देखो ये मैंने नोट कर दिया, ये वाला मैंने नोट कर दिया, क्वेश्चन नंबर ये सिक्स वाला, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। और क्या हमारा सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एट एक्स है, तो हमें जी एक्स से भाग देना है, तो जी एक्स क्या दे रखा, एक्स दे रखा, एक्स माइनस रूट टू, ठीक है, भाग देना, तो भाग दे रहा हूँ, क्या है, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एट एक्स और माइनस का सिक्स, ठीक है, एक दे रखा। अब हमें क्या भागफल और शेषफल निकालना है, तो देखिएगा हमें क्या काटना है, सेवन एक्स स्क्वायर काटना है, सेवन एक्स स्क्वायर काटना है हमें किससे काटना है, सेवन एक्स स्क्वायर काटना है हमें किससे काटना है, इस एक्स से काटना है, तो एक्स एक घात है, एक ऊपर जाएगी, माइनस बन जाएगी, क्या बचेगा, केवल केवल सेवन एक्स बचेगा, तो सेवन एक्स का गुणा हम एक्स में करवाएंगे, सेवन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेवन एक्स का इसमें करवाऊँगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, सेवन रूट टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँगा, घटाऊँगा तो माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो कितना है, ये सेवन रूट टू एक्स आया, और यहाँ क्या है, माइनस का टू रूट एट एक्स, और माइनस का कितना चल रहा है, सिक्स चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ सेवन रूट टू है एक्स है, और यहाँ टू रूट एट एक्स है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो हिंट में इधर हिंट दे रहा हूँ, क्या क्या लिखा हुआ है, टू रूट एट एक्स, एट ही तो लिखा हुआ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो टू इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ, चार इंटू दो ही तो लिख सकता हूँ, चार दूना आठ होता है, ठीक है, चार दूना आठ होता है, एक्स यहाँ लिखा हुआ, एक्स यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए चार का वर्गमूल क्या होता है, दो होता, होता है नहीं, तो दो जो वर्गमूल होता है वो, तो क्या हुआ, फोर का वर्गमूल कितना होता है, दो होता है, तो दो बाहर आ जाएगा, दो पहले से ही था, दो बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या बचेगा, केवल केवल टू बचेगा, टू इंटू एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर रूट टू एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, ये फोर रूट टू एक्स लिख दूंगा, फोर रूट टू एक्स, तो यहाँ पर देखो सेवन लिखा होता है, सेवन रूट टू एक्स था माइनस का, इसको लिख दूंगा मैं फोर रूट टू एक्स, ठीक है, कैसे लिखा मैंने अभी बताया आपको, ये देखो फोर रूट टू एक्स आया आपका, कितना है, फोर रूट टू एक्स आया, ठीक है, तो फोर रूट टू एक्स माइनस का यहाँ कितना है, सिक्स, ठीक। उसके बाद आगे करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेवन रूट टू एक्स लिखा हुआ ना, तो सेवन रूट टू एक्स से हम किसको घटा देंगे, ये माइनस की जगह फोर रूट टू एक्स को घटा देंगे, तो सात से चार जाएगा, कितना बचेगा, तीन ही तो बचेगा, तीन रूट टू एक्स बचाओ, माइनस का कितना है यहाँ, सिक्स है, ठीक है। अब हमें इसको काटना है, किसको काटना है, थ्री रूट को, टू एक्स को काटना, तो थ्री रूट टू एक्स को काटना, किससे काटना है, हमें एक्स काटना, इस एक्स से इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, केवल बचेगा थ्री रूट टू बचेगा, तो हम क्या रखेंगे, प्लस का थ्री रूट टू रखेंगे, इसका मैं मल्टीप्लाई यहाँ एक्स में करवाऊँगा तो थ्री रूट टू एक्स आया,
अब 3√2 का गुणा इसमें भी करवाना है, किसमें 2√2 में करवाना है, तो गुणा करवाना है इसमें, ये किसका है माइनस का, तो माइनस रखा, 3 का गुणा इसमें करवाऊंगा 3 × 3√2 चाहिए 3√2, और गुणा किसमें का करवाना है 2√2 का, तो 2√2। ठीक, अब क्या देखिएगा, घटाऊंगा तो ये माइनस का और ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ कितना माइनस का तो ही 6 है, और यहाँ देखो ये प्लस का है। अब देखिएगा यहाँ 3 लिखा हुआ, 2√2 का गुणा जब 2√2 में करवाते हैं तो क्या आ जाएगा 2 आ जाता है। ठीक है, 2√2 का गुणा 2√2 में करवाएँ क्या आएगा 2, तो माइनस का 6 और प्लस का 3 गुणा कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 को घटाएंगे क्या बचेगा 0। ठीक है, तो आपका देखो ये भागफल आ गया, तो यहाँ पर लिख लूँगा, क्या लिख लूँगे कि भागफल आपका आ गया, क्या आ गया 7x+3√2 आया, और शेषफल आपका आया कितना आया 0 आया। ठीक है, शेषफल आया 0। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट